guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna share with you this makeup look. So चलिए start करते हैं. So सबसे पहले मैंने अपने face की toning कर लिया है and इसके बाद मैं apply करूँगी primer. प्राइमर मैं अपने टी जोन पे अप्लाई करूंगी एंड उसको अच्छे से अप्लाई करूंगी. तो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है. इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन. इसको मैं डॉटेड मोशन में अप्लाई करूँगी अपने फेस पर. नेक पे भी अप्लाई करूंगी मैं इसको एंड अच्छे से डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए यूज़ करूँ एलोविया का मेकअप स्टिक. सो मैं इसे एज अ कंसीलर अपने अंडर आईज पे यूज़ करूँगी एंड अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर दूँगी एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से. मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर दिया एंड उसके बाद मैं आईब्रोज अपने सेट करूंगी. नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करूंगी लैक्मे के लूज पाउडर की हेल्प से. मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूंगी ताकि मेरा मेकअप सेट हो जाए एंड क्रीज ना हो बिल्कुल भी. नाउ मैं अपने आईलिड्स पे भी कंसीलर को अप्लाई करूँगी ताकि मेरे आई शेडो के लिए एक अच्छा सा बेस रेडी हो जाए एंड इसको भी मैं
अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मैं पाउडर लेके इसको सेट कर रही हूँ ताकि क्रीज ना हो कंसीलर एंड आई शेडो जो है बहुत अच्छे से अप्लाई होए। एंड इसके बाद मैं ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ एंड इसमें से मैं ये लाइट ऑरेंज शेड लेके, है तो ये ब्लश शेड लेकिन मैं इनको एज आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ। सो मैं ये सबसे लाइट वाला शेड ऑरेंज शेड लेके मैं इसको अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी दोनों आईज पे। मैं ये स्टेप फॉलो करूंगी। नाउ मैं ये कलर लेके अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी तरह से। मैं इसको अपने आई लिड्स पे बिल्ड अप करूंगी। तो मैं इसी सेम आई शेडो पैलेट में से ये वाला कलर लेके अपने आई लिड्स पे मैं इसको लगाऊंगी। मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही इसको अप्लाई करूँ, मैं कोई ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने दोनों आईज पे इसको अप्लाई कर लिया एंड इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड मेटालिक आई शेडो है, मैं इसको भी अपने फिंगर टिप्स पे लेके इस तरह से अपनी दोनों आईज पे अप्लाई करूँगी। इससे जो है काफी अच्छा लुक आ जाता है। नेक्स्ट मैं अपने लोअर लैशेज या लोअर वाटरलाइन के नीचे भी ये कलर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। नेक्स्ट मैं ये जेल आईलाइनर ले लूँ एंड इससे मैं एक स्मॉल विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। एंड ये आईलाइनर ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो मैंने ये स्मॉल विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है अपनी दोनों आईज में, आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं अपने आई लैशेज को कर्ल करूँगी आई लैश कर्लर की हेल्प से एंड मस्कारा का कोट अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं ब्लश अप्लाई करूंगी अपने चीक्स पे। एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूँ शिवाना का शिमर ब्रिक्स, सो मैं इसको एज हाइलाइटर यूज करूंगी।
मेकअप हो चुका है एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक. सो इफ़ यू लाइक दिस लुक एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून.